नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मंटकू अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ओट्स पुडिंग बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। आज हम ओट्स से सुपर रिच फूड ओट्स पुडिंग बना रहे हैं। ओट्स स्कॉटलैंड में ओरिजिन हुए, अपने टेस्ट और वैल्यू की वजह से आज इन्हें सारे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है। ओट्स सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हो, क्योंकि ओट्स में प्रोटीन, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये ग्लूटेन फ्री भी है और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओट्स ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी। आज इन्हें हम बहुत ही कॉमन फ्रूट्स के साथ बनाएंगे, जो साल भर इजीली मिल जाते हैं, और डिफरेंट फ्रूट्स के साथ प्रिपेयर करेंगे। आपका जब मन चाहे आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बनाने बहुत ही इजी है और इन्हें बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। आप इन्हें बनाकर ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। पहले हम फ्रूट्स को वॉश कर लेते हैं, फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को पास में रख लेते हैं, जिससे प्रिपेयर करना इजी रहेगा। आप चाहें तो इसके लिए वीगन मिल्क यूज़ कर लें, जैसे मैं ओट्स और आलमंड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। पहले पुडिंग हम एप्पल से बनाते हैं, क्योंकि ये सारा साल इजीली मिल जाते हैं। एप्पल को हमने ग्रेट कर लिया है, अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये ओट्स हैं, इसके लिए मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं। ये सॉल्ट है, ये सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर है, ये चिया सीड्स है, इन्हें हमने डिप नहीं किया। आप चाहें तो इन्हें एक दो घंटा पहले डिप करके भी यूज कर सकते हैं। और ये आलमंड मिल्क है। ओट्स से ओट मिल्क भी बहुत अच्छा बन जाता है, जिसकी रेसिपी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये कर्ड है, मैंने होममेड फ्रेश कर्ड लिया है। और ये हनी है, आप इसकी जगह पर मैपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी क्विक और इजी रेसिपी है। इन सबको मिक्स करके हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं। ग्लास को ओवरनाइट फ्रिज में रख लेंगे और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले उसे गार्निश कर लेंगे। अब हम बनाना ओट्स पुडिंग बनाते हैं। इसके लिए हम हाफ बनाना लेकर उसे मैश कर लेंगे। आप पका हुआ बनाना ले तो जल्दी मैश हो जाता है। ये ओट्स है, मैंने इसके लिए रोल्ड ओट्स लिए हैं। आप चाहे तो रोल्ड ओट्स ले लें या फिर फ्लैट ओट्स। ये चिया सीड्स हैं, आप चाहे तो इन्हें डिप करके भी ऐड कर सकते हैं या एज इट इज भी। ये सॉल्ट है, इसमें हम मैपल सिरप ऐड कर रहे हैं। ये कोको पाउडर है, इसे आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड ना करें। ये कर्ड है, फ्रेश कर्ड, जिसे हमने मैश कर लिया है। और ये आलमंड मिल्क, ये आलमंड मिल्क भी होममेड है, जिसे हमने घर पर ही प्रिपेयर किया है। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं और ग्लास में ट्रांसफर करके इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख लेंगे। आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग में इसे प्रिपेयर करके 4-5 घंटे रख लें और फिर इसे ब्रेकफास्ट में सर्व कर लें। 4-5 घंटे में भी ये प्रिपेयर हो जाते हैं। थर्ड पुडिंग हम ब्लूबेरी से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने फ्रोजन ब्लूबेरीज ली है, आप चाहें तो फ्रेश ब्लूबेरीज भी ले सकते हैं। और ये हम इसमें ओट्स ऐड करेंगे। ये सॉल्ट है,
चिया सीड्स, ये कर्ड है, और ये इसमें हम आलमंड मिल्क ऐड करेंगे। ये हनी है, आप मेपल सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे भी हम ओवरनाइट फ्रिज में रख लेते हैं और सुबह इन सबको गार्निश करेंगे। ओट्स पुडिंग रेडी है, अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। पहले हम एप्पल पुडिंग को गार्निश करेंगे, उसे हम एप्पल स्लाइस और वॉलनट्स के साथ गार्निश करेंगे। इनका कॉम्बिनेशन एप्पल और वॉलनट्स के साथ है। एप्पल पुडिंग सर्व करने के लिए रेडी है। ये ब्लूबेरी ओट्स पुडिंग है, इसे हम ब्लूबेरी और ये आलमंड के साथ गार्निश करेंगे। ब्लूबेरी ओट्स पुडिंग को जब हम ब्लूबेरी और आलमंड्स को क्रश करके गार्निश करते हैं तो ये पुडिंग के टेस्ट को और इंक्रीज करती है। ये पुडिंग बनकर भी रेडी है, अब हम इसे भी सर्व कर सकते हैं। अब हम बनाना पुडिंग की गार्निश करते हैं। अब इसे हम बनाना के साथ गार्निश करते हैं। बनाना को मैंने चॉप कर लिया है, आप चाहें इसे स्लाइस में भी काट सकते हैं। अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट जैसे पराठी को छोड़कर ओट्स पुडिंग को अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप 1 मंथ में अपना वेट लूज कर सकते हैं। ये कोको पाउडर है, आप इसकी जगह चॉकलेट चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी पुडिंग है, आप इसे जरूर ट्राई करें। आलमंड एंड ओट्स मिल्क की रेसिपी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर। ये बहुत ही इजी बन जाते हैं। आप जब भी ओट्स पुडिंग बनाएं तो आलमंड एंड ओट्स मिल्क को घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप इस मिल्क को मार्केट से भी ले सकते हैं, ये बहुत ही इजीली मिल जाता है। ये 3 डिफरेंट फूड्स के साथ ओट्स पुडिंग बनकर रेडी है। आप अपनी पसंद के सीजनल किसी भी फ्रूट के साथ इसे रेडी कर सकते हैं, जैसे मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कीवी। ये बहुत ही हेल्दी पुडिंग है और बहुत टेस्टी भी बनती है। आप भी इसे बनाएं और बताएं कैसे बने। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।